बहुत दर्द हो रहा है क्या? अगर आप प्यार से फूंक मार देंगी तो मेरा सारा दर्द चला जाएगा माँ। इस माने उस दिन जन्म लिया मेरी गोद में जिस दिन तू बना कर लाती हूँ। मैं भी आता हूं मेरी तुम्हारी मदद करने। यीशु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुम्हें चोट पहुंचाने से तो अच्छा मैं ही मर जाता। ऐसा मत कहिए किराने वाले चाचा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी कि परमपिता परमेश्वर ने आपको उस अपराध के सजा से बचा लिया जो आपने किया ही नहीं था। मेरे लिए परमेश्वर तो तुम हो यीशु, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बचाई, वो भी एक बार नहीं दो दो बार। तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन मुझे पता है तुम बहुत खास हो और तुम में वो दिव्यता है जो किसी और में नहीं है यीशु। ये आप क्या कह रहे हैं किराने वाले चाचा जी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ यीशु, इसीलिए तो एक बार नहीं बार बार तुम्हारे हाथों से चमत्कार होता है। मैं कोई चमत्कार नहीं करता चाचा जी, जो करते हैं परमपिता परमेश्वर करते हैं, मैं तो सिर्फ उनसे प्रार्थना करता हूँ। यीशु, प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि परमेश्वर सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना क्यों सुनते हैं? मैं कुछ समझा नहीं खिलाने वाले चाचा जी। याद है तुम्हें यीशु, जब तुम इस गांव में नए नए आए थे तो तुमने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि नीमा की दृष्टि वापस लौटा दे। जन्म से अंधी थी, तुमने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने ये प्रार्थना सुन के नीमा की दृष्टि वापस लौटा दी। जब मुझे कोढ़ हुआ था तो तुमने परमेश्वर से प्रार्थना की और उन्होंने ऐसी बारिश की जिससे गुफा में मौजूद सभी कोढ़ियों का कोढ़ ठीक हो गया। और आज की ही बात ले लो, न जाने कितने लोगों ने मुझ पर पत्थर फेंके पर एक एक खरोच तक नहीं आया। क्यों पता है? क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम लिया और तुमने मेरी सारी चोटें यहां बैठे खुद पर ले ली। ये क्या कोई साधारण इंसान कर सकता है यीशु? मेरी जान इसलिए बची क्योंकि तुमने मेरी सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। और कोई माने या ना माने, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पानी की समस्या को भी तुम ही दूर करोगे। आप सच कह रहे हैं खिलाने वाले चाचा जी, मेरे यीशु भैया बहुत खास है। मेरा तो
उस यीशु सब कुछ ठीक कर देता है और इस पानी की समस्या को भी वही दूर करेगा। पानी, 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 बहु पानी, पानी। मनु, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। यीशु, पानी। ये क्या हो गया रब्बी गुरुजी को? सारा गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है और आप हैं कि सारा पानी बर्बाद किए जा रहे हैं। बेवकूफ, पानी बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि अपने दिमाग को शांत करेगा। दिमाग शांत होगा तभी तो उस यीशु नाम की बीमारी से छुटकारा पाने का कोई रास्ता सूझेगा मुझे। जब से इस गाँव में आया है मैंने उसे मात देने की कई बार कोशिश की, लेकिन लेकिन हर बार प्रभु प्रभु मैंने जीवन भर सच्चे हृदय से आपकी भक्ति की है, प्रभु कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि इस यीशु नाम के संकट से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। क्या करो प्रभु? मिल गया, मिल गया, मिल गया मुझे रास्ता, मिल गया मुझे। अब मैं इस पानी में ऐसी औषधि घोल कर उस यीशु और उसके भक्तों को पिलाऊंगा कि इस सबको दिन में तारे नजर आने लगेंगे और उसके बाद उन्हें मजबूर होकर मेरी शरण में आना पड़ेगा। मैं रब्बी गुरु सहारा बनूंगा। कुएं में पानी वापिस कैसे आएगा यीशु? मुझे नहीं मालूम मनु, लेकिन मैं जानता हूँ कि परमपिता परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। ईश्वर जब मदद करेंगे तब करेंगे, पर मैं तुम्हारे लिए भेंट लेकर आया हूँ। लो इसे स्वीकार करो यीशु। नहीं चाहिए हमें ये भीख, हम प्यासे मर जाएंगे लेकिन आपसे मदद नहीं लेंगे। जायज है, जायज, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन यकीन मानो मैंने यीशु की माँ की बातों पर जब शांति से बैठ के विचार किया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने की बजाय हम सबको स्थिति का मिलकर सामना करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने कुएं से ये पानी लाया। अगर आप सब लोग इस पानी को स्वीकार कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सबने मुझे माफ कर दिया। फिर हम उसके बाद सब लोग बैठकर पानी की समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। लो ये सीख लो, तुम्हें प्यास लग रही होगी ना, यह पानी पी लो। नहीं यीशु, मुझे इस इंसान पर रत्ती भर भरोसा नहीं। ये पानी लाने के पीछे जरूर इनका कोई दूसरा मकसद है। माँ कहती है कि गलतियाँ हम सबसे होती है और कोई अपनी गलती को सुधारना चाहे तो हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। पानी लाने के लिए बहुत बहुत आभार रब्बी गुरु जी। तुम जी भर कर ठंडा पानी पियोगे तब जाके मुझे संतुष्टि होगी।
सबको पिलाओ यीशु, सबको पिलाओ, सब प्यासे होंगे। हाँ, पिलाओ पिलाओ। नीमा, नीमा तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, शायद कोई काम होगा उसको, जाओ घर जाओ तुम जाओ। अचानक पिताजी इतने नरम कैसे पड़ गए, क्या चल रहा है इनके दिमाग में? जाओ। पहले तुम जी भर के पानी पी लो मन्नू। पियो और पियो, पीते जाओ। मैंने इसमें ऐसी औषधि मिलाई है जिसे पीकर तुम सब मेरे पैरों में गिर कर अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे। और जब मैं तुम सबको बचाऊंगा तब समझ में आएगा सबको कि ईश्वर का असली दूत कोई और नहीं, मैं ही हूं, और ये यीशु कुछ और नहीं, परमपिता परमात्मा की रट लगाने वाला एक मामूली सा जिद्दी बच्चा है बस। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से बारिश कर दो ताकि गांव वालों को कुएं का साफ पानी मिल सके। प्रभु ऐसा ही है। यीशु, जिसके मन में खोट हो ईश्वर उसकी प्रार्थना कभी नहीं सुनते। तुम बस ईश्वर से पानी के लिए प्रार्थना करो, वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लेकिन आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं चाचा जी कि परमपिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनकर पानी की समस्या हल कर देंगे? मैं जानता हूँ ऐसा जरूर होगा, बस तुम एक बार प्रार्थना करके तो देखो। हे परमपिता परमेश्वर, गांव के सभी लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं, उनकी प्यास बुझाने का कोई रास्ता दिखाइए। सबको पूरे गांव को कुएं के पास चलना चाहिए, हमें कुएं से पानी जरूर मिलेगा। चलिए। जल ही जीवन है। अरे पिताजी, ये क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपको? नीमा पिताजी, क्या हुआ आपको? उठिए।
तुम लोग सब यीशु के पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो? यीशु ने कहा है कि ईश्वर पानी की समस्या को दूर करने वाले हैं, इसलिए हम लोग सब कुएं की तरफ जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। अच्छा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? होना होता तो पहले ही हो जाता। चलकर देखते तो हैं कि यीशु करने क्या वाला है। यीशु को भी चैन नहीं है, पता नहीं अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। आपने जो भी औषधि बताई सब दी मैंने, लेकिन आपके किसी भी औषधि का असर आपके ऊपर नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ कि पास के गांव वाले रब्बी जी को यहाँ ले आओ। ये सब उस यीशु की वजह से हो रहा है ना। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम्हें कसम है उस यीशु को सजा जरूर दिलवाना। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आज वैद्य होते हुए भी आपकी कोई दवा कोई औषधि आपके ऊपर असर नहीं कर रही। आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ही शायद ईश्वर ने यही तरीका ढूंढा, ताकि आप ये समझ सके कि खोट यीशु में नहीं आपकी सोच में है। यीशु बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप उसे समझते हैं। सिर्फ एक बार आप यीशु को हमारी नजरों से देखने की कोशिश कीजिए पिताजी। हो सकता है जैसे यीशु ने मेरी आंखों की रोशनी लौटाई थी वो आपको भी ठीक कर दे। कुएं का सारा पानी लगभग सूख गया है, अंदर मरे हुए जानवर अब पड़े पड़े सड़ने लगे। तो बेकार में तमाशा करके लोगों को झूठी उम्मीद देने की क्या जरूरत थी? अरे जब कुएं में पानी सूख गया है तो यीशु पानी कहाँ से लाएगा? अगर पूरे मन से ईश्वर पर भरोसा किया जाए तो असंभव का संभव हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु को एक कोशिश तो करने दीजिए। यीशु, तुम्हारी इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ यीशु। मैं भी यीशु भैया। मैं भी यीशु। और मैं भी। परमपिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं पर अंत में सब कुछ ठीक भी कर देते हैं। मुझे लगता है कि पानी की समस्या से जूझते हुए लोगों की अब बहुत परीक्षा ले ली आपने। पानी के बिना सबका जीवन खतरे में है, सबकी रक्षा कीजिए परमपिता। अपना आशीर्वाद देकर इस कुएं को साफ पानी से भर दीजिए।
हुआ कैसे? मरे हुए जानवर अचानक कुएं से गायब कैसे हो गए? अरे कुएं में पानी भरने की आवाज आ रही है,